तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आज की इस नई वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबके लिए एक ऐसा ब्रांडेड सा इन सोलर सेटअप लेके आए जो कि आपको ऑल इंडिया हर बैटरी वाली दुकान पे मिल जाएगा और हो सकता है कि आपको ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर भी मिल जाए। दोस्तों ये जो सोलर सेटअप है ये आपके घर का जो भी नॉर्मल सा लोड है वो आराम से चला पाएगा। इसे फ्रिज, मोटर, कूलर और जो है सीलिंग फैन वगैरह, एलईडी बल्ब वगैरह हमारे जला देगा। दोस्तों ये जो सोलर सेटअप है ये आपका मात्र 20,000 रुपये की रेंज में आ जाता है, जो कि हमारे लाइट की जो बचत है वो आराम से हर महीने 300 से 400 रुपये का आराम से करता रहेगा। दोस्तों ये जो सोलर सेटअप है इसमें हमने जिस बैटरी का यूज़ किया है वो हमारे पास उकाया कंपनी की बैटरी है, ठीक है। नेबर स्टॉप इंडिया 100H की बैटरी है, ST 100H, ठीक है। और सोलर टू व्हीलर बैटरी है, ठीक है। 36 मंथ की इसकी फुल रिप्लेसमेंट है, लेकिन दोस्तों ये हमारी 3-4 से 5 साल आराम से निकाल देती है। 36 मंथ तक अगर कोई भी दिक्कत होगी तो होम सर्विस आपको इसकी वारंटी मिलेगी 100H की, ठीक है। लो मेंटेनेंस है, बिल्कुल कोई मेंटेनेंस ही नहीं, और कैपेसिटी बहुत अच्छी है। दोस्तों हम इधर के लिए जो है वो रेट्स आपको बताते हैं जो हम कस्टमर को देते हैं। इधर के लिए जो है दोस्तों हमारी इन्वर्टर बैटरी की शॉप है, ठीक है। तो जो भी नॉलेज होती है आपको ऐसे बताते हैं जैसे हमारी जो है हम कस्टमर को बता रहे हैं, ठीक है। तो इधर के लिए जो है इन्वर्टर्स बैटरी की शॉप है और आप देख सकते हो सारे इन्वर्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो कोई भी फेक वीडियो नहीं है या कोई भी लोकल वीडियो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसके जो रेट है वो आपको मार्केट में इस टाइम पर मात्र 8,900 रुपये के मिल जाएंगे, ठीक है। 9,000 रुपये की आपको मिलेगी, 8,900 रुपये के। उसके अलावा इसकी जो मैं साइड जैसे ये बैटरी दोस्तों हमारी दिख रही है ऊपर से वैसे ही ये बैटरी है, ठीक है। अंदर भी बैटरी वैसे ही है, हम इसे अनबॉक्स नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही ये ऊपर से दिख रही वैसे ही अंदर से, और मैं थोड़ा सा साइड से दोस्तों बैटरी के दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी ST 100H लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें होम सर्विस मिलती है, यहाँ पर आप कॉल करके बंदे को बुला सकते हो, इंजीनियर को, अगर आपकी बैटरी में कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ पे 6 वाटर लेवल जो है हमें फ्री मिलते हैं, और उसके अलावा बैटरी की जो कैपेसिटी है और जो डिजाइनिंग है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इन्वर्टर्स की। इन्वर्टर हमारा जो है अमेज कंपनी का है, और इधर के लिए जो टोटल्स इन्वर्टर हमारे पास अमेज कंपनी के हैं, ठीक है। तो ये AMS का जो है मॉडल है 750 सोलर इन्वर्टर है, अमेज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सारे इंटीग्रेटर्स मिलते हैं, ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, ठीक है, बटन मिलता है। और थोड़ा सा मैं पीछे की साइड से दोस्तों आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो पीछे की साइड में दोस्तों हमें जो है यहाँ पे हमें एक DC फैन मिलता है जो कि हमारे इन्वर्टर के अंदर की हीटिंग को बाहर निकालता है, ठीक है। अगर ये फैन ना हो तो हमारा जो इन्वर्टर है वो जल्दी फूक जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे आउटपुट के लिए जो है हमें वो मिलता है, सॉकेट मिलता है, ठीक है। आउटपुट सॉकेट 15 एम्पीयर का ये है, और हमें यहाँ पे छोटी सी MCB मिलती है जो कि हमारे घर में अगर कोई फॉल्ट हो जाता तो ये बाहर निकल आती है, ठीक है। कॉपर्स के वायर मिलते हैं यहाँ पे, जो है आप ना 400 वाट सोलर पैनल लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये जो हमारे पास सोलर पैनल है वो 200 वाट का है, और यहाँ पे ईको और UPS करने के लिए जो हमें बटन मिलता है, ठीक है। अगर आपको लैपटॉप वगैरह चलाना है तो आपको UPS पे करना है, और आपको अगर मोटर और घर का लोड चलाना है तो ईको पे करना है, ठीक है। और इस फैन वगैरह हमें सब मिलते हैं यहाँ पे। तो पीछे का फ्रंट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ सोलर पैनल की। तो ये ईस्टमैन कंपनी का सोलर पैनल है, और इधर के लिए दोस्तों आप देख सकते हो सारे जो सोलर पैनल हैं वो ईस्टमैन कंपनी के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये हमारा मैनुफैक्चरिंग इसकी जो है 22 की, और 200 वाट का सोलर पैनल है हमारा, ठीक है। 200 वाट का सोलर पैनल है 12 बोल्ट में। तो मैं थोड़ा सा इसके पीछे का भी दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। तो पीछे का दोस्तों यहाँ पे जो हमें बॉक्स मिलता है जिसमें हमारी डाइबोर्ड्स वगैरह होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें ईस्टमैन का स्टिकर मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी जो चार्जिंग है वो दोस्तों 10 एम्पेयर निकालता है, ठीक है। 9.99 एम्पेयर ये चार्जिंग निकालता है हमारा 200 वाट का सोलर पैनल। दोस्तों ये जो सोलर पैनल है ये कोई आम सोलर पैनल नहीं है, ये मोनो सोलर पैनल है जो कि हमारी कम धूप में भी बहुत अच्छी चार्जिंग निकालता है, ठीक है। कोई लोकल सोलर पैनल या आम सोलर पैनल नहीं है, मोनो कंपनी का। और इधर के लिए दोस्तों जो है हमारे पास ये दोनों सोलर पैनल ये पोली है जो कि हमारी जब धूप होती तभी करंट निकालते, और जब धूप नहीं होती तो करंट नहीं निकालते। और ये आप देख सकते हो जितने भी सोलर पैनल हैं वो हमारे पोली के हैं, लेकिन हमारी दुकान में सिर्फ एक ही सोलर पैनल है जो हमारा जो है मोनो है, ठीक है। और हमने भी अपने घर पर इसी सोलर पैनल का यूज़ किया है क्योंकि ये जाड़ों में भी अच्छा वर्क करता है।
तो दोस्तों इन्वर्टर के जो प्राइस हैं वो मार्केट में इस टाइम पे 4,800 रुपये के मिल जाएंगे, और सोलर पैनल के जो प्राइस हैं वो मार्केट में आपको इस टाइम पे 7,200 रुपये के मिल जाएंगे, 3600 या 3700 रुपये पर वाट के हिसाब से ये मिलेगा आपका। तो दोस्तों जो हमारा पूरा सेटअप बना है वो 21,000 रुपये की रेंज में आ जाता है, जो कि बहुत बढ़िया सोलर सेटअप है जहाँ पे लाइट हमारी नहीं पहुँच पाती है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।